हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माइंडेड टैरो। और ये रीडिंग है 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। Three of Earth, Nine of Air, Page of Earth, Nine of Fire, and Seven of Air. Okay. तो यहाँ पे Nine of Air का कार्ड है। Nine of Air के साथ लगता है जैसे कि कोई पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहा। Okay, and ये पर्सन भले ही आपसे सेपरेट हो गया हो, या हो सकता है उन्होंने आपसे ये कहा हो कि जो भी आप दोनों के बीच के ऑब्स्टेकल्स हैं वो कभी रिमूव नहीं हो सकते एंड अब आप दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए या कुछ और सोचना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, तब भी ये पर्सन यहाँ से मूव नहीं कर पा रहा। सेवन ऑफ एयर के साथ ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने जर्नी तो शुरू की थी, कोशिश जरूर की थी कि वो आपसे दूर चले जाए एंड चीजें आसान हो जाएंगी उनके लिए, ऐसा उन्हें लगा था। बट अब इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। तो अगर ये एक ऐसा पर्सन है जिसने आपसे खुद ही कहा था कैंसर कि अब ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है और आप दोनों को मूव ऑन कर जाना चाहिए, कोई ऐसा पर्सन जिसने खुद ब खुद आपके साथ ब्रेकअप किया था, तो अब ये पर्सन खुद अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहा। और शुरुआत में इन्हें लगा था कि चीज़ें आसान होगी मूव ऑन करना, जब इन्होंने शुरू किया था तो इन्हें लगा था कि धीरे धीरे ये जो फीलिंग्स है वो फेड हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी और फिर वो मूव ऑन कर जाएंगे। बट उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। ओके, तो ये पर्सन बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है और अब इस पर्सन के जो थॉट्स हैं आपके लिए वो और ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। मतलब ये दूरी आपको दूर करने के बजाय इस पर्सन के और क्लोज ला रही है। ये पर्सन बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर सकता है इस वीक में। इनफैक्ट थ्री ऑफ अर्थ के साथ मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है लगातार, कॉन्स्टेंटली आपको स्टॉक कर रहे हैं। और इस गिफ्ट को ये पर्सन कभी गंवाना नहीं चाहता। ये पर्सन चाहता है कि आप जैसे उनके थे वैसे ही हमेशा रहें। तो इसलिए नाइन ऑफ फायर के साथ ये पर्सन इस फायर को बुझने नहीं देगा। इस फायर को वो कैरी कर रहा है एंड इसे कैरी करते रहेंगे। उन्होंने ये सोच लिया है कि ये जो कुछ भी है ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और लेट गो करना इनके बस की बात नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जिस डायरेक्शन में ये चले थे मूव ऑन करने के लिए, बीच रास्ते में ही कहीं बैठ गए हैं और अब सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या कैंसर के पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि कैंसर ही मेरा ट्रू लव है, या कैंसर को गवा देने का मतलब है कि अपने एक हिस्से को गवा देना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन थोड़ा पोजेसिव भी हो सकता है, पोजेसिव टाइप का हो सकता है और इन्हें ये सोचना भी अच्छा नहीं लगता कि आप मूव ऑन करें और किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएं। उन्हें जो उनका है उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ उनको बिलोंग करती है वो उनकी ही होनी चाहिए और इस केस में ऐसा ही है। इस पर्सन को लगता है कैंसर जैसे आप उन्हीं के लिए बने हैं, उन्हीं को बिलोंग करते हैं, तो जो भी फैसले उन्होंने जिस भी वजह से लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पर्सन अभी भी चाहता है कि वो आपके साथ टच में रहे और ये पर्सन ये श्योर करने की कोशिश करेगा ओके कि आप उनके साथ कहीं ना कहीं से कनेक्टेड रहें। तो फिलहाल ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि उन्हें क्या करना है और हो सकता है कि ये आपको भी कंफ्यूज कर दे अपने बॉडी लैंग्वेज से या आपको ये शो करके कि वो अभी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस वीक में। जस्टिस, थ्री ऑफ वाटर, सिक्स ऑफ वाटर,
2 of water and 10 of earth. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास जस्टिस का कार्ड है. जस्टिस के कार्ड के साथ लगता है यूनिवर्स ने कुछ सोच रखा है. ओके, इस पर्सन का वापस आना बस यूं ही नहीं होगा. आई थिंक ये पर्सन वापस आने वाला है क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना है, जस्टिस करना है. यूनिवर्स ये श्योर करेगा कि आप जो चीज़ें खोज रहे हैं, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ पाए, और यूनिवर्स आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा. कैंसर, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अभी तक परेशान कर रही थी या जो आप इनसे कहना चाहते थे, वो आपको कह देना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अनकही रह गई. ये पर्सन अपनी तरफ से डिसीजन लेता गया या जो चाहा उन्होंने वो करता गया, एंड आप कुछ कह नहीं पाए या आप कभी भी इस पर्सन को नहीं समझा पाए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं उनके इस तरीके के बिहेवियर से. अगर कुछ ऐसा है जो आप इस पर्सन को बताना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, तो ये मौका आपके लिए होगा. 3 ऑफ वाटर के साथ यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अपने मन से जो कुछ भी करवाहट है उसे निकाल दीजिए, और उसे निकालने का एक ही तरीका है कि आप इस पर्सन को क्लियरली बताएं कि आपको कौन सी चीज़ें परेशान कर रही हैं, बाउंड्रीज ड्रॉ करें और अपनी रिस्पेक्ट करें. 3 ऑफ वाटर आपसे कह रहा है कि फिलहाल आपके लिए ज़रूरी है अपने लाइफ के खुशियों पर भी फोकस करना, तो अपने आप को वक्त दीजिए. आपका हायर सेल्फ चाहता है कि आप खुश रहें एंड लाइफ को एंजॉय करें. हालांकि ये 6 ऑफ वाटर के साथ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप हो सकता है एक लंबे रिलेशनशिप में रहे हो इस पर्सन के साथ, और जितनी आसानी से कोई कहेगा आपको कि इस रिलेशनशिप को भूल जाइए, ये वैसा नहीं है, ये उतना आसान नहीं है ऑफ कोर्स. बट कैंसर, टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप फिलहाल कोई फैसला नहीं लेते या अपने लिए स्टैंड नहीं करते, तो शायद आप इस एनर्जी में हमेशा के लिए फंस जाएं, स्टक हो जाएं इस तरह की नेगेटिव टेंडेंसी में जो इस पर्सन की है, इस तरह के टॉक्सिक पैटर्न में, और ये जो टॉक्सिसिटी है आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर दे. तो ज़रूरी है कि आप खुद को सुने एंड एक इम्पॉर्टेंट फैसला लें. और कैंसर, आप जो सोच रहे हैं कि जो खो गया है वो आपको वापस नहीं मिल सकता, याद रखिए जो प्यार आपने दिया है वो आप तक वापस जरूर आएगा. इनफैक्ट 10 ऑफ अर्थ का वही मतलब है. आपको बहुत सारा अटेंशन मिलेगा एंड ऐसा लग रहा है कि ये वीक आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है. ओके, पहली बात तो आपको मौका मिलेगा अपनी फीलिंग्स को जाहिर करके खुद को बेटर महसूस करवाने का, रिलीफ फील करने का. 2 ऑफ वाटर के साथ आप किसी के बहुत क्लोज भी आ सकते हैं. ऐसा लग रहा है अगर आप सिंगल हैं या नहीं भी हैं तो भी कोई अच्छा फ्रेंड आपका बन सकता है. मुझे लग रहा है कि बहुत सारी नई चीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं. हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, बट मुझे ये स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है. ओके, आप किसी से मिल सकते हैं जो कि आगे जाके एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में बदल सकता है. चलिए देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है. प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव. ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप मैनिफेस्ट करने में इस वक्त कह सकते हैं कि एक प्रो है. आप किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लेंगे. आपका हायर सेल्फ आपकी हर प्रेयर को सुन रहा है, तो बस आपको ज़रूरत है मांगने की जो आपको चाहिए और वो आपको मिलेगा. ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.